हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार है और हमारी कंपनी का नाम होम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग पिछले 14 साल से रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग दिल्ली एनसीआर में या फिर इंडिया से बाहर रहते हैं और जो लोग नोएडा में आज की डेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना घर, ऑफिस, शॉप या फ्लैट लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कृपया करके आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज का जो वीडियो है हमारा बेसिकली वो नोएडा से कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। पहला हम लोग बेसिकली एक सीरीज बना रहे हैं, इसको ब्लॉग वाइज बनाएंगे, तो पहला सीरीज है हमारा कनेक्टिविटी को लेकर के नोएडा। फर्दर ये आता रहेगा वीडियो, आपको और नोएडा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अभी हम आ जाते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हम लोग मान लीजिए अभी आज की डेट में हम खड़े हैं अक्षरधाम से, तो अक्षरधाम के लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं बेसिकली ये आईपी एक्सटेंशन है। आईपी एक्सटेंशन जो है यहाँ पर सोसाइटीज बनी हुई काफी सारी और काफी अच्छा बना हुआ है। इसके बिल्कुल राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये अक्षरधाम टेम्पल है। यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल वर्ल्ड वाइड विख्यात है, सब लोग जानते हैं। इसके बिल्कुल साथ में कॉमनवेल्थ विलेज है जिसको MGF कंपनी ने बनाया था। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो ये रास्ता सीधा टूवर्ड्स दी ग्रेटर नोएडा के लिए जाता है। जैसे ही हम थोड़ा सा मूव करेंगे सर आगे, तो आगे सबसे पहले हमारा मयूर विहार आएगा। लेफ्ट साइड में मयूर विहार फेज वन आता है पहले, फिर मयूर विहार एक्सटेंशन आता है। तो यहाँ जैसे आप ये क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर नोएडा गेट आ जाता है स्टार्टिंग के अंदर ही। ये नोएडा का वो गेट है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है। इसके बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे SSP ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर ट्रैफिक का पूरा इंचार्ज यहीं से चलता है। और लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले ऑयल इंडिया की बिल्डिंग है जहाँ पे इनका कॉर्पोरेट ऑफिस बना है। थोड़ा सा अगर आप मूव करेंगे तो पेटीएम के सारे कॉर्पोरेट ऑफिस बने हैं। और थोड़ा सा और आगे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है सेक्टर 6 के अंदर। हम वापस वहीं आ जाते हैं नोएडा गेट पे। जैसे ही हम क्रॉस करते हैं नोएडा गेट को तो सबसे पहले हमारे लेफ्ट में APG स्कूल आता है। काफी फेमस स्कूल है, लोग सब जानते हैं, काफी फेमस स्कूल है। और इसी के साथ साथ जो है DND यहीं से कनेक्ट हो जाता है टूवर्ड्स दी नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए। DND से अगर हम आते हैं तो पहले सबसे पहले लाजपत नगर होते हुए DND टोल आएगा, उसके बाद DND आएगा और ये आकर के सेक्टर 16 के आसपास नोएडा में कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही आप आगे आएंगे तो सबसे पहले नोएडा के अंदर ये सेक्टर 16 फिल्म सिटी है। यहाँ पे सेक्टर 16 को फिल्म सिटी को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर TCG का कॉर्पोरेट ऑफिस है। सबसे पहले TCG यहीं से स्टार्ट हुआ था और इसके बिल्कुल साथ में DLF मॉल है जहां पर आज की डेट में लोग दिल्ली से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, हापुड़ से, मेरठ से शॉपिंग करने आते हैं, बिकॉज दिल्ली NCR में इस लेवल का मॉल अभी कहीं नहीं है। और इसके साथ में जो सेक्टर 18 की मार्केट है पहले से ही काफी फेमस है, यहाँ लोग ऑलरेडी शॉपिंग के लिए आते रहते हैं। इसके बिल्कुल बैंक अपोजिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे GIP मॉल है। GIP मॉल जो है बेसिकली ये यूनिटेक कंपनी ने बनाया था और ये DLF से पहले यही सबसे ज्यादा चलता था। इसके साथ में गार्डन गैलेरिया मॉल है यहाँ पर। तो अगर मॉल के हिसाब से अगर हम कहते हैं तो नोएडा के अंदर मॉल काफी सारे मॉल हैं, लाइक DLF है, GIP है, इधर गार्डन गैलेरिया है। इसी रोड पे अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे लॉजिक्स का सिटी सेंटर भी है, जगह पे एग्जैक्टली सिटी सेंटर भी है सेक्टर 32 के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे तो यही रोड जो है आपका गाजियाबाद के लिए निकल जाता है, NH 24 को कनेक्ट कर देता है यहाँ से, सेम जो कि रास्ता आपका सीधा गाजियाबाद इंदिरा रोड की तरफ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो नोएडा बेसिकली लोग यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ वंडर में भी काफी आते हैं क्योंकि ये अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पर पहले जैसे अपू घर होता था प्रगति मैदान, तो लोग यहीं वहां जाते थे। अब अम्यूजमेंट पार्क जो है दिल्ली NCR में या तो गुड़गांव में या फिर नोएडा के अंदर सबसे बड़ा यही है। इसके बिल्कुल राइट साइड में जो है ये बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी जो है बेसिकली यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं और अलग अलग जो दुर्लभ प्रजाति है वहाँ यहाँ पर काफी पक्षी आकर के यहाँ स्टे करते हैं, बीच बीच में आते हैं, तो लोग इस चीज को देख पक्षी को देखते हैं और उस चीज का लुत्फ उठाते हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे मूव करते हैं जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं बर्ड सेंचुरी को, तो महामाया फ्लाईओवर आ जाता है। महामाया फ्लाईओवर वो है जहाँ से टूवर्ड्स दी, जहाँ से बोटानिकल गार्डन से आपकी कनेक्टिविटी है टूवर्ड्स दी जनकपुरी, यहाँ ये जनकपुरी मेट्रो चले जाती है यहाँ से सरिता विहार होते हुए। सरिता विहार जो है वो हमारे बिल्कुल राइट साइड में पड़ेगा और लेफ्ट साइड में यहाँ पर जैसे आप ये क्रॉस करेंगे महामाया को, तो सबसे पहले MIT स्कूल है यहाँ पर इस जगह पर एग्जैक्टली।
और ये काफ़ी पुराना स्कूल है। इसके साथ में सेक्टर 44 है जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस सेक्टर है, काफ़ी यहाँ पे VIP लोग रहते हैं। इसके बैंक अपोजिट अगर एक्सप्रेसवे के अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा SCL आता है इस जगह पे, यहाँ पे SCL है, उसके बाद यहाँ पर आपका डेल आएगा एग्जैक्टली, और बिल्कुल साथ में ही अमेठी यूनिवर्सिटी है, और यही रास्ता टूवर्ड्स दी ग्रेटर नोएडा चले जाता है परीचौक की तरफ, यहाँ से परीचौक की तरफ, और आने वाले टाइम में यही रास्ता जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, यही रास्ता है जहां से आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जा सकते हैं जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो अगली जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, आपको कैसे कैसे क्या क्या नोएडा में क्या क्या प्राइजेस चल रहे हैं, किस सेक्टर में क्या साइज है और क्या बैंक लोन उसमें अवेलेबल है नहीं है, तो ये सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू, आपने हमें सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप सभी को आने वाली हमारी सभी नई वीडियो एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।